नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। नए साल में कई ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में हर राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, तो सावधान रहे। आइए जानते हैं किन किन राशियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा और किन किन राशियों को बुरे अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस साल में आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। प्यार हो, दोस्ती हो या कोई और रिश्ता, ये सभी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। खुद को आप दयालु बनते हुए पाएंगे। आपकी हदों को लांघ कर लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे। हाल ही की बुरी घटना आपको अपनी गलतियों से सीखने की अनुमति देगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। सेहतमंद रहने के लिए आपको अच्छे खान पान पर ध्यान देने की सलाह मैं देना चाहती हूँ। मेष के बाद अब बात करेंगे वृष राशि की। छात्रों के लिए आज का दिन कठिन और जटिल रह सकता है, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने मील के पत्थर को हासिल करने के लिए मेंटरशिप या परामर्श लें। उस सफलता का स्वाद चखें जिसका वे अकादमिक रूप से सपना देख रहे हैं। आप इस सप्ताह अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने पर विचार कर सकते हैं, जिससे उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। इस साल आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं या आपके पिछले बुरे अनुभव के कारण हो सकता है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस प्रकार ये सलाह दी जाती है कि आपको चिंता और पछतावे के बारे में सोचने में कम समय देना चाहिए। इसके बजाय सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। योजना बनाएं कि आप अपनी जीवन शैली को कैसे सुधार सकते हैं। पैसों के लिहाज से चीज़ें औसत स्तर पर रहेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करने के लिए खुद को सकारात्मक आत्माओं से घिरा रहने की सलाह देती हूँ। आपको ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करने के लिए खुद को सकारात्मक आत्माओं से घिरा रहने की सलाह देना चाहती हूँ। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए धन की स्थिति बनी रहेगी। आप देखेंगे कि आपके रास्ते में कुछ बड़े लाभ आ रहे हैं। हालांकि आपका भावुक स्वभाव चिंता का विषय बन सकता है, इस पर अच्छा नियंत्रण रखें, अन्यथा लोग आपकी आवश्यकताओं के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं। वैवाहिक जोड़ों के बीच कुछ छोटी मोटी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अब बात कर्क के बाद सिंह राशि की करते हैं। आज का दिन ईर्ष्या के कारण आपके वरिष्ठ आपके लिए बेवजह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शांत और ठंडे दिमाग से रहें। साथ ही आपके शब्दों और कार्यों से सावधान रहें। मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपके पेशेवर और घरेलू दोनों मोर्चों पर कुछ उतार चढ़ाव दर्ज हो सकते हैं। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएगी। प्यार के मामले में आज आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह फिट रहने के लिए स्वस्थ भोजन करें और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम जरूर करें। कन्या के बाद तुला राशि की बात करती हूँ। आपका ध्यान और एकाग्रता यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि आपके आने वाला समय कैसा रहेगा। इस प्रकार बाधाओं के बावजूद जब आप समय समय पर परीक्षण करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्थिर फोकस और आत्मविश्वास है। कुछ गंभीर मौद्रिक नुकसान हो सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति होती है तो आप खुद को तनावग्रस्त पाएंगे, जो निश्चित रूप से आपके मानसिक स्वभाव पर भारी पड़ेगा। विवाहित और प्रतिबंध जोड़ों का सप्ताह अच्छा और समृद्ध रहेगा। वृश्चिक राशि पर नजर डालते हैं। बहाने बनाने के बजाय आप चीजों को सुधारने के प्रयास करने पर विचार करेंगे। याद रखें कि आप ऐसी व्यक्ति नहीं है जो पीछे बैठकर चीजों को होते हुए देखना पसंद करते हैं, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। तो यह आपका क्षण है। पेशेवर मोर्चे पर भी आप अपने किसी सहकर्मी की गलतियों को सुधार कर उसका भविष्य बचा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सम्मान और प्रशंसा मिल सकती है। वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे धनु राशि की। आपको केवल एक सकारात्मक मानसिकता और दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। इसका पालन करने से आप अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। आपका घरेलू जीवन शानदार ढंग से बना हुआ नजर आ रहा है।
जहां आप इस सप्ताह उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। आपके परिवार में अचानक से जश्न मनाने की योजना भी सितारे पर है। साथ ही नवविवाहित जोड़ों पर इस सप्ताह आपस में गर्मा गर्म बहस का अनुभव कर सकते हैं। अब मकर राशि की बात करते हैं। जो छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छे हैं, वे खुद को अपने लक्ष्य के बहुत करीब पाएंगे। आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास पहले ही आपको कुछ शानदार परिणामों के साथ पेश कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रभावित किए बिना ही गति को बनाए रखना जारी रखें। सड़क पर कदम रखते समय सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी मामूली दुर्घटना आपके शारीरिक स्वास्थ्य को आसानी से परेशान कर सकती है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आपकी राय के साथ ईमानदार और पारदर्शी रहे, ऐसे कई अवसर होंगे जहां आपकी राय को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले कई बार सोचें। आप इस सप्ताह एक दयालु व्यक्ति के रूप में बने रहेंगे, केवल उनकी मदद करने के लिए अपनी सीमा को पार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये दयालुता का कार्य आपके लाभकारी परिणाम देगा, जो आने वाले समय में समझ में आएगा। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। आज का दिन बढ़िया रहने के बावजूद आप अकेले रहना चाहेंगे, शायद सबसे दूर। आप इस समय को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने और विश्लेषण करने के लिए सोच सकते हैं। हालांकि अधिक न सोचें, क्योंकि यह आप पर दबाव और तनाव ला सकता है, जिससे आदर्श रूप से बचना चाहिए। पैसे के लिहाज से चीजें आपके लिए सकारात्मक बनी हुई दिख रही है। किसी भी कीमत पर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।